अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुजुकी खैबर कार आपके लिए लेकर आए हैं। फॉर सेल है, 89 मॉडल है, 1999 मॉडल है और इसकी जो कंडीशन है वो भी बताता हूँ। स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, कागजात भी क्लियर हैं, तमाम कागजात स्मार्ट कार्ड इसका मौजूद है, अलारे में इंस्टॉल हैं और क्या क्या खूबियां हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं और इसकी कीमत क्या है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसकी डिमांड क्या की जा रही है, तो बहुत ज़बरदस्त है, चालू कार है और कीमत बहुत मुनासिब है। थंबनेल में शायद आपने देखी भी हो तो कीमत इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मुनासिब इसकी कीमत है। इसकी मैं जो है मुकम्मल रिव्यू कराऊँगा इसका, ताकि आपको पता चल जाए कि इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो कैसी है और क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है इस गाड़ी की। तो आप देख सकते हैं अलारे में इंस्टॉल है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, लाहौर का नंबर है और ये कार फॉर सेल है। आप इसकी बोनट की सूरत हाल देखें तो देख सकते हैं कंडीशन, बैटरी नई इन्होंने डलवाई हुई है। इसके अलावा इंजन की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। थोड़ा बहुत काम ज़रूर होता है लेकिन जो जिस कीमत में ये कार आपको मिल रही है, मेरे ख्याल में आप इस पर ख़र्चा भी कर लें, 1 लाख रुपए लगा भी दें तो आजकल जो खैबर की मार्केट है वो बहुत अच्छी जा रही है। तो इसकी जो सूरत हाल है आपने वो देखी है, दरवाज़ों की जो कंडीशन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई रिपेयर नहीं हुए ये दरवाज़े, तो थोड़ा बहुत खर्चा ज़रूर करवाना पड़ेगा इस गाड़ी पे। ये घर में खड़ी थी, मैंने इन्हें कहा है कि सर्विस करो, बाहर से इन्होंने सर्विस किया है लेकिन अंदर से इन्होंने कोई सफाई सुथराई नहीं की। लेकिन बहरहाल बहुत ज़बरदस्त है, चालू कार है और बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये कार मिलने वाली है। सीटों की कंडीशन बहुत ठीक है, अगर आप इसे अंदर से भी सर्विस करा लें तो मेरे ख्याल में इसकी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इसका डैशबोर्ड हो गया, इसकी ये कंडीशन हो गई नीचे से सारी, तो क्योंकि अभी इन्होंने सर्विस की है, थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर मौजूद है। दूसरा दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है, ये भी आपके सामने है, इसकी कंडीशन कदर बेहतर है। आप नई भी गाड़ी ख़रीदें तो उसका भी थोड़ा बहुत ख़र्चा ज़रूर होता है, तो आप ये जहन नशीन कर लिया करें कि ख़र्चा आता है लेकिन आपको एक सस्ती गाड़ी मिल रही है और उस पर आप अगर मर्जी से ख़र्चा कर लें तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेस्ट काम हो जाएगा। तो ये इसकी कंडीशन है, डिग्गी से जो इसकी सूरत हाल है, एक लाइट थोड़ी इसकी टूटी हुई है, ये नई लगवानी पड़ेगी। बाकी कंडीशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे डिग्गी भी इसकी कंडीशन ठीक ठाक है और यहाँ से इसकी छत वगैरह वो आप पहले ही देख चुके हैं और आप फिर देख लें। तो इनके मेरे ख्याल में लाख देख सकते हैं, इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू करा रहे हैं तो आप मुकम्मल देखिएगा। हर एंगल से आप देख लें ताकि आपको अगर पसंद आती है तो आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। ये दरवाजा नहीं खुल रहा, बहरहाल ये दरवाजा खुले या ना खुले इसकी कंडीशन आप देख चुके हैं, ये दरवाज़ा भी खुल जाएगा, सारा कुछ जब आप देखने आएंगे तो सब कोई तैयार होगी। इस पर हो सकता है ये थोड़ा बहुत खर्चा भी कर लें लेकिन जिस हालत में मौजूद है इसकी कीमत हम आपको बता रहे हैं। टायरों की जो कंडीशन है वो भी आपको दिखाते हैं, टायर भी आप इसके देख लें, बहुत ज़बरदस्त अलारे में इंस्टॉल है और ठीक कंडीशन है। टायरों की कंडीशन मेरे ख्याल में बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। इसके टायर आपको नहीं लगवाने पड़ेंगे, नए टायर नहीं लेने पड़ेंगे। टायरों की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अलारे में इंस्टॉल है और बहुत खूबसूरत अलारे में इसके इंस्टॉल हैं और गाड़ी की जो कंडीशन है वो आपने देख ली है।
उम्मीद है गाड़ी आपको पसंद आई होगी। इसकी प्राइस आपने थंबनेल पे भी देखी है, 2 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। मज़ीद मामूली सी कमी बेशी ज़रूर हो जाएगी, अगर आप लेने वाले बनेंगे तो कमी बेशी हो जाएगी। स्टार्ट कार मिलेगी आपको, चालू कार मिलेगी, मज़ीद जो छोटे मोटे अखराजात हैं वो आप देख चुके हैं। अगर आप कराएँगे तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं, मेरे ख्याल में 10-20 हज़ार इस पर खर्चा हो जाए तो ये 3 लाख की गाड़ी बन जाएगी। तो ये कार फॉर सेल है, कागजात बिल्कुल क्लियर हैं और इसका जो है कार्ड, स्मार्ट कार्ड इसका बना हुआ है, अलारे में इंस्टॉल है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। जितने भी इसके कागजात हैं, फाइल वगैरह सब कुछ मुकम्मल है। और ये गाड़ी, इस गाड़ी के मालिक का नंबर नीचे आ रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, बल्कि एंड पे आ जाएगा इस गाड़ी के मालिक का नंबर, बिल्कुल वीडियो के आखिर में आ जाएगा। आप उस पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं और गाड़ी के बारे में मज़ीद पूछ गछ कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं और गाड़ियों का सीज़न आ चुका है। हमने रोज़ाना, हो सकता है रोज़ाना वीडियो अपलोड करें तो नई नई गाड़ी आएगी, कोई भी गाड़ी आपकी पसंद की आ सकती है। तो वीडियो को YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के निशान को दबा कर रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।